जाए जनाब स्कल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं यह एक रिनाउन इदारा जो कि देता है ट्रेनिंग कलनरी आर्ट्स, होटल एंड मैनेजमेंट और साथ साथ बेकिंग एंड पेटिसरीज की। अगर बेकिंग एंड पेटिसरीज की बात करें तो वो लोग जो कि चाहते हैं बेकिंग के अंदर अपना करियर बनाना, यानी कि बहुत अच्छे बेकर या फिर पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है हैंड्स ऑन स्किल्स का लेना। और हैंड्स ऑन स्किल्स के लिए स्किल्सन से बेहतर और क्या जगह हो सकती है जहाँ पर आपको दी जाती हैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशंस, जिसका हिस्सा बनने के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट का भी हिस्सा बन सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। बात करें अगर हम कैटरिंग की या फिर हमारे ऑर्डर टेकिंग होती है उसकी, तो वो भी आप कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब तो जी देखिए बहुत इवेंट आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हिस्सा जो है ना एक पेस्ट्री सेक्शन एक बिल्कुल अलग होता है है, जहाँ पे बकायदा ऑर्डर दिए जाते हैं, कस्टमाइज चीज़ें बनाई जाती हैं, एक मीठा स्वीट कॉर्नर बना दिया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कलनरी आर्ट्स की, तो जनाब जहाँ मीठा होता है वहाँ नमकीन भी होता है, जहाँ नमकीन होता है वहाँ मीठा कंपलसरी है। सो देयर इज़ नीड कि जब हम शेफ ट्रेड की बात करते हैं, हम रेगुलर खाने की बात करें या किसी फंक्शन के खाने की, पार्टी हो या फिर कोई कैटरिंग के ऑर्डर्स हो, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो या फिर कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो। अब जैसा कि रबिलेबल का इवेंट है, तो आप ये देखें कि इतना बिजी कैटरिंग के ऑपरेशंस होते हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर टेकिंग करके भी उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो देयर इज़ नीड कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर या सर्टिफिकेशन होल्डर होते हैं, तो आपके पास वो तमाम अथॉरिटीज़ और वो तमाम आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक पेपर जिसे कहा जाता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप कह सकते हैं कि जी आपने प्रोफेशनल तरीके से काम सीखा हुआ है और किसी रिनाउन इदारे से सीखा है और जिस पर आपकी ऑथेंटिसिटी पर कोई क्लेम भी नहीं होता। तो जनाब ये बात हो गई स्किल्सटन की, तो स्किल्सटन की आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वो है www.skillston.com। और क्यूरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं स्किल्सटन के नंबर पे जो कि है 03111754557। आप यहाँ जब कॉल करेंगे तो हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स आपको फुली असिस्टेंस देंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। सो डोंट मिस, आपने आना है, हमसे विजिट करना है, चिट चैट करनी है, अपनी क्यूरीज लेकर आना है, कंसल्टेंसी करनी है या फिर काउंसलिंग करना चाहें, तो जनाब उसके लिए भी आप तशरीफ ला सकते हैं। हम हमेशा आपको सर्व करने के लिए बैठे हैं बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट। और अगर हम बात करें स्पाइसेस की, तो जनाब है मेहरान स्पाइसेस, मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, मेहरान स्पाइसेस जिसकी क्वालिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि वेल ब्लेंडेड एरोमेटिक टेक्सचर, बहुत अच्छा वेल ब्लेंडेड टेक्सचर, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के एन मुताबिक, हैसप के असूलों के एन मुताबिक। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो नेशनल मार्केट ऑटोमेटिकली उसमें कैप्चर हो जाती है। वो तमाम असूल और जो हिफ्ज़ान सेहत की चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मसाले बनाए जाते हैं जिसमें इंसानी हाथों का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है और मशीनरी के तहत इसको पैक किया जाता है। सो उसमें कोई आर्टिफिशियल ना तो कलर ऐड किया जाता है ना ही एमएसजी एडेड है। सो मेहरान स्पाइसेस लाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इन्होंने तो जनाब मेहरान फैमिली क्लब की अगर हम बात करें, तो जब आप रेसिपी मिक्स लेकर आते हैं या फिर वैल्यू पैक लेकर आते हैं, तो जब आपके इसके अंदर से एक स्क्रैच कार्ड आपको मिलता है, तो आपने क्या करना है जनाब, MSFI लिखना है, स्पेस देना है, स्क्रैच कार्ड पर जो नंबर मौजूद है वो आपने लिख देना है, अगेन स्पेस देना है और अपने शहर का नाम लिखना है। शहर जो भी हो, पाकिस्तान के आप किसी भी शहर में रहते हो, कराची हो कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो कि फैसलाबाद, पिशावर हो या फिर गुजरांवाला, जो भी शहर है जी, सारे शहर ही हमारे अपने हैं, तो आपने उसका नाम लिख देना है और भेज देना है 8833 पे। सिंगल कार्ड पे सिंगल एक आपकी एंट्री काउंट हो जाएगी और आप जीत सकते हैं जनाब, जहाँ पे उम्रे के टिकट और साथ साथ सोने के बहुत सारे इनामात, रेफ्रिजरेटर हों कि बाइक्स हों या फिर गिफ्ट हैम्पर्स हों, जनाब मेहरान क्लब का आप हिस्सा बन सकते हैं और बहुत सारे मज़ेदार से कीमती इनामात जीत सकते हैं। तो ये तो जी डबल मज़ा हो गया ना, एक तरफ तो हमने मेहरान के स्पाइसेस ले आए और वो मेहरान स्पाइसेस ला के हमने खाना भी बना लिया, और जब खाना बना लिया तो एंट्री भेज दी, जब एंट्री भेज दी तो इनाम भी मिल गया। सो ये तो एक उसमें डबल मजे हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं मुनीजा? मैं भी अल्लाह का शुक्र, आज मैंने आप बोल दिया, आप बताएं मुनीजा, वरना तुम बताओ मुनीजा। बिल्कुल, तुम आप आके मुझसे तुम भी बोलेंगे ना, वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं। अच्छा जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं मुनीजा? शेफ आज तो बहुत मजे की रेसिपी है, आज टिक्का बिरयानी है और ट्राइफल है, बहुत मजे का है।
तुम बनाने वाली हो? नहीं आप आप कहेंगी तो बना के दूंगी, लेकिन नहीं, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, बहुत अच्छा ट्रैफल बनाती है। कौन है हमारे साथ और कहाँ से है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नजमा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है तबीयत। आज मैंने वो दाल बनाई थी जो आपने कल बनाई है। अच्छा, धावा दाल बनाई थी, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी है। मैं मिलाद शरीफ में गई हुई थी, अभी आई हूँ, तो अभी मैंने और मेरे बेटे ने खाना अभी खाया है। बिल्कुल, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छी दाल बनी थी बहुत, और मेरी बहन और मरियम ने भी देखा, वो कह रही इतने मजे की लग रही थी देख के, दाल और सब्जी के दिल चाह रहा था बस अभी मिल जाए और हम अभी खा लें। तो फिर आपने जब बनाई तो फिर आपने मरियम को और अपनी बहन को खिलाई? नहीं, तो वो तो औरंगी टोन में रहती है ना मेरी बहन, मैं तो बफर जोन में रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, टीवी में देखती है ना। चलें फिर किसी दिन ऐसा कीजिएगा ना, आप ये दाल बनाएंगे तो या तो उनसे कहिएगा वो बना के आपके पास लेकर आए, तो एक वन डिश पार्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप क्या नाम है? आज क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ टिक्का बिरयानी, और साथ में बना रही हूँ जी मैं इंस्टेंट ट्राइफल बना रही हूँ। और आप ये अचारी सब्जी भी ट्राई कीजिएगा, वो बहुत मजे की बनती है। मेरे बेटे नहीं खाएंगे सब्जी, बहुत मुश्किल से खाते हैं, दाल तो खा लेते हैं। नहीं, आप जब ये सब्जी अचारी बनाएंगे ना, ये बहुत मजे की बनेगी। आई मस्ट से के वो एंजॉय करेंगे सब्जी को, राइस। कोशिश करूंगी बनाने की। चलें बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और अपनी फरमाइशें भी भेजते रहिएगा, इसी तरह रेसिपीज ट्राई करते रहेगा। सो टिक्का बिरयानी के लिए सबसे पहले हम चावल बॉईल कर लें। ये हमारे पास जी मेहरान के लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, जो कि बासमती राइस हैं। इसका खुशबू, अरोमा, टेक्सचर, अगेन सच ए ब्यूटीफुल राइस। अगर मैं बात करूँ, इसको आधा घंटा मैं सिर्फ भिगोती हूँ इस चावल को, और इसका मैं टेक्सचर देखती हूँ, अमेजिंगली गुड, बड़ा प्यारा को इसका टेक्सचर आता अच्छी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मनीजा कोयला गर्म होने नहीं रखा। सो देखें जी, ये हमारे पास 750 ग्राम चावल हैं जो कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं उबलते हुए पानी में। मनीजा नमक ऐड कर चुकी हैं इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक टिप बता दूँ, एक जो कि बिरयानी में अक्सर एक कंप्लेन आती है कि जी नमक बैलेंस नहीं होता। सो बेसिक मिस्टेक जो आप लोग करते हैं घर पे चावल में नमक चेक करने के लिए, हम क्या करते हैं, पानी में नमक चेक करते हैं, जो चावल का पानी हम बॉयल होने रखा होता है हम उसमें नमक चेक कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी बिरयानी के लिए जो नमक चेक किया जाता है, कोई भी आप चावल बना रहे हो उसके लिए, नमक हमेशा चावल के दाने में चेक किया जाता है। बिकॉज देखिए, पानी में तो नमक आपको तेज़ ही लगेगा क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा डाली गई है। सो देर इज़ नीड कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो हमारे पास वो मौजूद है चावल का जो दाना मौजूद है उसके अंदर नमक का फ्लेवर आना चाहिए। तो अगर उसमें नमक आपके पास बैलेंस है, बल्कि थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता हुआ नमक है, तो आपकी बिरयानी में कभी भी जो है ना नमक कम नहीं होगा। मैंने सा मुझे एक वो भी दे दें, पैन भी दे दें, नहीं हाँ वो भी दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पर टिक्के की मैरिनेशन कर दूँ। सो टिक्का बिरयानी इज़ क्वाइट ईजी, इसमें बस चावल उबलने का ही जो टाइम लगता है बेसिकली वो लगता है। हाँ, ये इसको क्लीन करके देखें। हमारे पास यहाँ पे टिक्का बिरयानी के लिए आप चाहें तो बड़े टिक्का का कट भी ले सकते हैं, और अगर आप छोटे चिकन के पीसेस करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं है। समटाइम्स लोग एक मुर्गी के 4 हिस्से करा के या 8 हिस्से करा के वो ऐड कर देते हैं, तो वो भी सही प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है। अच्छा जनाब, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे, नहीं इसमें दे दीजिए मुझे, ये 750 ग्राम हमारे पास चिकन मौजूद है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं अदरक का पेस्ट, ये मेहरान की स्पाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, साथ साथ हम इसमें अदर स्पाइसेस जिसमें हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, मेहरान का लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, यहाँ पे हमारे पास हल्दी है, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, साथ हमारे पास नमक है
नमक हस्बे लज़त, और हस्बे लज़त है हम नमक लेंगे यहाँ पे 2 टीस्पून, और साथ मेरे पास सफ़ेद मिर्च, ये रहा वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर 1 चुटकी, और ये है ऑरेंज कलर। अच्छा, ऑरेंज कलर वैसे जो मार्केट में अवेलेबल होता है बेसिकली देखें वो डाइंग कलर्स होते हैं, सो देर इज़ नीड कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, आप इन चीज़ों को समझें कि डाइंग कलर्स ना लें, जो फूड कलर्स होते हैं वो लें, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें ये ऑरेंज कलर लगाया, साथ हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये देखिए मेरे पास टीस्पून है ये, तो जब हम ये 6 टीस्पून लेंगे तो इज इक्वल टू 2 टेबल स्पून। ठीक है मुनीजा? यस सर, सही हो गया। ये टिक्का की मैरिनेशन की, ये मैंने टिक्का मसाले की मैंने, और इसमें 1 चुटकी, मतलब अगर हम नॉर्मली टिक्का बनाना चाहें घर पे तो हम ये मैरिनेशन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें लीमू का रस मुझे चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे मेहरान का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं आज, ये ना मेहरान का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप चाहें लीमू का रस ऐड करें या फिर आप ये सिरका ऐड कर लें। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ये मेहरान का सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको हमने कर लिया मैरिनेट। पैन निकाल लें जिसमें ये हम ग्रिल करेंगे। अच्छा जी, देखिए अगर आप ये घर पे, अगर आपके पास टाइम है तो आपने एक दिन पहले ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख देना है। जब आप इसको एक रात मैरिनेट करेंगे तो इसके फ्लेवर इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी इसके जो हमने जो मसाले लगाए हैं उसका मज़ा खुल के आएगा। लेकिन कम अज़ कम 2 घंटा, लेकिन मेरे पास जो कि टाइम नहीं है सो मैं इसको इंस्टेंटली बना लूँगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जी बहुत जल्दी में बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं, ये ना कीजिएगा जी मैंने तो पहले पूरी रात इसको मसाला लगा के रखना है मैरिनेट करने फिर मैं बनाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा जनाब। बिकॉज जब घर वाले और बच्चे एकदम से फरमाइश कर देते हैं ना तो फिर समझ नहीं आता है। जी कौन है हमारे साथ और कहां से हैं? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं और कहां से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूं। क्या कहना चाहेंगी, नाम तो बताइए अपना। मैं बोल रही हूँ सनाना कराची से। कौन? सना। जी सना, क्या कहना चाहेंगी? सर आपसे ये पूछना था कि बिरयानी के, जब आप बासमती बिरयानी की बिरयानी बना रही है ना चावल जी की, जी तो इसमें अक्सर ये बात, इसके चावल की कनी पता नहीं चलती है कि कितनी रखनी है, या मतलब अक्सर होता है या तो बिल्कुल ही चावल वो हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं, या थोड़े कभी कच्चे रह जाते हैं। देखें जी, असल में ना चावल की जब आप क्वालिटी को बार बार बदलते हैं ना तो ये मसला आता है। अगर आप चावल की क्वालिटी एक ही कंसिस्ट रखेंगे, घर में एक ही चावल आए, जैसे पुराना बासमती है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 1/2 घंटा सोकिंग टाइम, और उसका बॉइलिंग टाइम तकरीबन 15 से 20 मिनट में वो हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि चावल की ब्रांड बार बार ना बदलें, नए चावल में ज़्यादा मसला आता है। अच्छा, और एक आपसे ये बात पूछनी थी, आपका स्कूल किस जगह पे और कितनी फीस है, मतलब क्या इसका प्रोसीजर है सारे स्कूल का ना आपका? सना आपने जी बिल्कुल, सना आपने जिस नंबर पे भी कॉल की इस नंबर पे आप मुझे अपने नाम से व्हाट्सएप कर दें कि सना आप, ताकि मैं आपको, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है ताकि मैं आपको तमाम डिटेल्स आपको भेज सकूं। हमारे 4 कैंपस इस वक्त काम कर रहे हैं, एक हैदराबाद में और 3 कराची में, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स भेज दूंगी। चले ठीक है सर, ठीक है सर। आप हाँ जी 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 कहिए। दूसरा आपसे बोलना था कि बच्चों के लिए थोड़ा ये मतलब कम मसाले वाले, जैसे आपने परसों बहुत आई थी ना जी जी, वो टिक्के लगी हुई थी के ऊपर जो सिखाई थी आपने जी, वो या मतलब आपकी चलो यूट्यूब से मिल जाएगी, और एक आधी लंच के हिसाब से बच्चों के घर की चीज बताएं जो जल्दी बन जाए। जरूर सना, मैं जरूर इंशाल्लाह किड्स लंच बॉक्स का एक प्रोग्राम कर दूंगी डिजाइन इस तरह से, और इंशाल्लाह उसको आप लोगों के लिए जरूर हम लेकर आएंगे। ये देखें जी, मैंने तकरीबन 1/4 कप तेल शामिल किया इसमें वॉक में, और इसमें मैरिनेटेड जो चिकन टिक्के की हमने मैरिनेशन की थी चिकन ऐड कर दी है, सो इट हैज़ टू बी कुक। ये इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा नहीं 70-80% पकाएंगे, बाकी थोड़ा सा ये दम में पके। सही है, जबरदस्त, कितना अच्छा कलर आ रहा है, और बिल्कुल जबरदस्त, बड़ा प्यारा कलर आता है इसका।
अच्छा जनाब, यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है ट्रफल के लिए। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा रेसिपी को दो हिस्सों में ब्रेक करके दोनों रेसिपीज को काम करेंगे, बिकॉज जहाँ पे चिकन को थोड़ा सा टेंडर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, सो देर इज़ नीड कि यहाँ पे जब हम ट्रफल के लिए कस्टर्ड थोड़ा सा बना के रखेंगे, उसको भी हमें थोड़ा सा ठंडा करना होगा। सो यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए हम रख चुके हैं, सो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और कस्टर्ड बना के हम एक तरफ रख देंगे और फिर वापस हम बिरयानी के बेस की तरफ आएंगे। ओके सर, ठीक है ना। सो मुझे ना बड़ा चूल्हा चाहिए होगा मनीषा, वो वाला, हाँ इसकी, क्योंकि फ्लेम कम है ना, तो टोंग ले लूँ ताकि हम उसको। अच्छा जनाब देखें, ये जो हम कस्टर्ड ट्रफल बनाने जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेशियो मैं आपको बता दूँ जो कि रिक्वायर्ड होता है कस्टर्ड बनाते हुए। अगर 500 ml मिल्क हमें, जो लिक्विड है वो ग्रामेज में नहीं होता, वो ml में होता है। सो जो अगर आपके पास 500 ml मिल्क मौजूद है, तो फिर आपने इसमें तकरीबन 2 tablespoons जो है कॉर्नफ्लावर के ऐड करने होते हैं। अगर थोड़ा सा थिकन चाहिए तो आप 3 tablespoons तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बिकॉज देखिए हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, एक ग्रामेज होती है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा थिकन कर देंगे तो बहुत अजीब एक होता है ना कर्डल सा, वो बन जाता है, लेकिन इट शुड बी स्मूथ, कस्टर्ड शुड बी स्मूथ ना, एक क्रीमी टेक्सचर। सो देर इज़ नीड कि हम उसको समझते हुए थोड़ा सा अप्लाई करें। मुझे वो दे दो। अच्छा दूध बॉयल होने जा रहे हैं। यस सर। अच्छा इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी है हमारे पास 1 cup, ये तमाम चीनी इसमें चली जाएगी। और मुनीसा इसमें से ना थोड़ा सा दूध जो है ना अलग कर लेना, वो हमें केक पे डालने के लिए चाहिए। ओके सर, ठीक है, इसमें से दूध थोड़ा सा अलग कर लो। हम तकरीबन 1/4 cup दूध इसमें से अलग करेंगे, जो कि जो हम केक बेस में लगाएंगे उसके ऊपर हम स्पून से इसके ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। जी कौन है हमारे साथ, कॉलर मौजूद हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कराची से। मैं भी आपकी ये टिक्का बिरयानी की रेसिपी देख रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप इसको प्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे बताइए कि जो है कच्चे चिकन की जो बिरयानी बनती है और या फिर कच्चे मीट की बिरयानी बनती है, तो वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक्चुअली इसके इतनी अच्छी रेसिपी कहीं मिल नहीं पाती मुझे, तो क्या आप वो गाइड कर सके कि मुझे कि वो कहाँ से मिल सकती है, या आप फिर खुद बनाएंगे किसी? कच्चे गोश्त की बिरयानी इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में आपको बना के बताएंगे कि जी कच्चे गोश्त की बिरयानी की बेसिकली टेक्निकल है थोड़ी सी, वैसे आसान है, मुश्किल नहीं है खाना, कोई भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज होती हैं। सो जब हम आपके सामने बना रहे होते हैं ना रेसिपीज, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ इसमें करनी है और क्या नहीं करनी है। सो इंशाल्लाह इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके लिए कच्चे गोश्त की बिरयानी, और फिर आप खा के और बना के हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। जी इंशाल्लाह बिल्कुल, आप हमारे साथ शेयर कीजिए और मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं बनाऊंगी, और व्हाट्सएप पे आपको जरूर बिल्कुल जरूर जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, यहाँ दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ राइस देखें कितना अच्छा कोई चावल यहाँ पे बॉयल हो रहा है, ये देखें इसकी क्वालिटी चेक करें। अच्छा ये जो टिक्का बिरयानी होती है, इसमें बहुत सारा धनिया पुदीना चाहिए नहीं होता है हमको, इवन तो प्याज व्याज का भी कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। देखिए इसका ऑलरेडी मसाला बन रहा है, इसके अलावा मुझे एक मसाला और बनाना है और वो भी बड़ा क्विक है। ओके सर, बड़ा इंस्टेंट बन जाता है वो। अच्छा चलिए आज देखते हैं, आज सीखेंगे हम आपसे। हाँ इसको अच्छा बेसिक देखें, इसके 2 steps हैं, या तो आप इसको टिक्के को यहाँ पर अरोमा दे दें और डायरेक्ट, या तो आप चावल को अरोमा दे दें। तो क्या किसमें ज़्यादा अच्छा अरोमा आता है? दोनों में, या तो आप अगर डोइल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक हो जाएगी, मैं डायरेक्ट पतीली में अरोमा देती हूँ। ओके सर, चावल के साथ? चावल के साथ, एक स्टेज पे यहाँ पे भी दे देती हूँ, कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा एरोमेटिक चाहिए तो टिक्के को भी दे दिया। और टिक्का अगर जो कोल पे बना हुआ होता है, आप उसको इसको डायरेक्ट कोल पे भी बना सकते हैं, आप कोल पे बनाने के बाद इसको बिरयानी में ले आए मसाला बना के, तो भी बहुत मज़े का बन जाता है। वो थोड़ा सा जो थोड़ा सा कुकिंग को समझते हैं ना, सो वो उसको फिर इस तरह टेक्निकली कर सकते हैं। सो थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए जब भी, फिर मतलब घर वाले भी एक ही चीज़ खा खा के थक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज। तो जब तक हमारे पास चावल बॉयल हो रहे हैं और टिक्का कुक हो रहा है, दूध भी बॉयल हो रहा है, तो इंतज़ार जब तक आप कर ही रहेंगे तो ब्रेक पे चले जाते हैं, और ब्रेक से आते हैं और अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, इसको हमने दम दे दिया है, यानी कि कोयले का भगाड़ लगाया, आप देख सकते हैं चारों तरफ स्मोक किस तरह निकला है। सो
दिस इज कुक इट इज ऑलमोस्ट डन. अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो देखें ये चिकन डन है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ तकरीबन 4 टेबल स्पून तेल लेके 1 टेबल स्पून लहसुन सॉरी अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल के तकरीबन 300 ग्राम टमाटर थे जिसको फाइन चॉप करके मैंने ऐड कर दिया, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है इसमें तो ये सॉफ्ट हो जाए. सो दैट्स इट. इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया. इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर सॉरी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, जायफल जावित्री तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच, और ये सारे खड़े मसाले जिसमें हमारे पास काली मिर्च है तकरीबन 12-15 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता. दैट्स इट. पानी ऐड करेंगे शायद? हाँ गुड़ा, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून. ये देखें ये एक मसाला बन गया है, 1 टेबल स्पून गया है तो मनीजा, एक और ये हो गया 3 टेबल स्पून, ठीक है जी. ये आपके पास एक मसाला बन गया. ये थोड़ा सा मसाला बेसिकली बिरयानी को टच देता है ना, एक फ्लेवर देता है, ठीक है. और साथ हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, तकरीबन 1/2 कप हम इसमें दही ऐड करने जा रहे हैं. इसको मनीजा मिक्स करते हैं, फ्लेम हाई करते हैं ताकि पानी जो दही छोड़ेगा तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा. अच्छा, मीन वाइल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखें कस्टर्ड हमने बना लिया था, हमारे पास 1 लीटर दूध था तो हमने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया जिसको तकरीबन 4 टेबल स्पून ही पानी में हमने डिसॉल्व किया, गाढ़ा गाढ़ा डिसॉल्व किया और कस्टर्ड बना लिया ताकि वो कुछ ठंडा हो जाए. और जेली मुनीजा बना चुकी थी. मुनीजा कौन कौन सी जेली बनाई बेटा? जेली मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली बनाई है. ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी बनाना. और इसको कितने पानी में, जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से है, एक प्लेट देना. कौन है? हेलो हेलो हेलो, कौन कौन शेफर है बात कर रही है आप? हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं जी? लाइन ड्रॉप हो गई. अच्छा जी, अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, मनीषा होल्ड इट, ठीक है जी. यहाँ पे जो चिकन की पीसेस थे वो मैं बाहर निकाल रही हूँ प्लेट में. थोड़े से चिकन के पीसेस मैं इसी में ही रहने दूंगी ताकि हमें टॉप के लिए भी तो चाहिए होंगे ना. मनीषा ये उठा लो बेटा, एल्युमिनियम फॉइल उठा लो, इसको उठा लो. वेरी गुड, ये देखें चिकन टॉप पे हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसी में रहने देंगे. ठीक हो गया मनीषा, इसको बेटा इसमें वो कर दो, मर्श कर दो, क्लीन कर दो इसको अच्छे से, पूरा वॉक क्लीन कर दो. नज़र आ रहे हैं इधर से? यस. दिखा मुझे, दिखा. अच्छा जनाब, ये देखें इसको आपने अच्छे से मसाले को क्लीन करना है, वॉक में छोड़ देना नहीं है बिकॉज़ ये बहुत मज़े का मसाला है. ठीक है, मुझे बेटा ये उठा लेना. ठीक है जी. अच्छा इसको देखें, मैं अगेन कुक कर रही हूँ ताकि इसका थोड़ा सा लिक्विड कम हो जाए. जब ये लिक्विड कम हो जाएगा तो फिर हम इसको तह में लगा देंगे. अच्छा, अभी आपने कोल का अरोमा दिया जो टिक्का मसाला इसमें मिक्स किया तो उसका बहुत ही अच्छा एक अरोमा, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है. एंड आई हैव टू बी चेक कि मुझे इसमें नमक की बैलेंसमेंट देखनी है. सो देखो मनीषा बताओ, हाफ टी स्पून जाएगा. अच्छा जनाब, इसमें साथ चिकन पाउडर भी जाएगा, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर इसमें जाएगा और साथ में नमक 1 टीस्पून. यस सर. ओके. अच्छा देखिए, हमेशा नमक की बैलेंसमेंट जो होती है इसमें मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी निकलती भी होती है, बहुत स्मूथ नहीं होती, तो उससे फिर नमक आपका बैलेंस रहता है. इसी तरह चावल में भी. बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज वो फिर बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है इसका. खाली मैंने मसाला टेस्ट किया तो. सबा है हमारे साथ जी. सबा क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम. पतीली दे दें. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं?
ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र भाई। मतलब ये है कि आप जब प्रोग्राम करती है ना जी, ये आप प्रोग्राम करती है ना टीवी पे जी, तो हमारे घर में बहुत रौनक आ जाती है, हम रोज आना इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम का। अरे बहुत शुक्रिया सबा, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है, और जब आप तीन दिन नहीं आती है ना हम उदास हो जाते हैं। अरे अरे इतना उदास ना हुआ करें, मेरा रिपीट प्रोग्राम देख लिया करें। शेफ राणा भी हमारे शेफ है, हमारे अपने हैं, रिपीट तो देखते हैं, लेकिन वो जुमे और हफ्ते को इतवार को नहीं आती है ना, बहुत यानी कि बोरिंग होती है फिर। अरे सबा सो स्वीट, सो स्वीट यार, ऐसे ना बोले वरना जुम्मे हफ्ते को मैं भी उदास हो जाऊंगी आपको याद कर करके। नहीं वैसे हम भी शो तो मिस कर ही रहे होते हैं शायद घर पे। बिल्कुल कर रहे होते हैं, लेकिन देखें जी वो भी हमारी टीम है, इस क्रिस्टन का हिस्सा है। अब आप जिनका इंटरेस्ट कल्नरी की तरफ ज्यादा होता है ना वो बहुत मिस करते हैं, जिनका इंटरेस्ट थोड़ा बेकिंग की तरफ ज्यादा होता है वो इंतजार कर रहे होते हैं प्रोग्राम का, तो बड़ा मिला जुला सा रुझान है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सर वैसे ही है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम प्याज तकरीबन एक बड़ी प्याज ब्राउन की हुई वो हमने इसमें ऐड की, ठीक है जी, ये ऐड हो गई। साथ मेरे पास, अच्छा इसमें ज़्यादा नहीं जाता है धनिया पुदीना वगैरह, थोड़ा कम जाता है, और आप ओमिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चंद पत्ते पुदीने के, हरी मिर्चें तकरीबन 8-10, थोड़ा सा हरा धनिया, नॉट रियली के बहुत ना गुड्डा ना मिक्स ना, नो नो नॉट एट ऑल, चम्मच नहीं चलाइएगा, बिल्कुल नहीं चलाइएगा। चम्मच नहीं चलाना है, जस्ट उसको ऊपर लगा के छोड़ देना है। तो देखें चीज़ों से भी सीखते, दिस इज अ लर्निंग, जो मैं कहती हूँ ना ये है असल में लर्निंग। बेटा चावल लिया, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें थोड़ा सा आप हैंडलिंग, जब इसी तरह ही पता चलती है, पता है? बिल्कुल सर जी, ये देखें हमने इसमें चावल की राइस कितना अच्छा खिला हुआ आ रहा है। बिल्कुल देखें राइस हमने इसमें लगा दिए हैं। ओ मुझे टिश्यू दे दें थोड़ा सा। ओके ये राइस लग गया 8-7-7 देखें। इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं, तकरीबन 1/4 कप तेल ऊपर से जाएगा। मुझे बिरयानी एसेंस चाहिए या फिर ज़ाफ़रानी की उबड़ा घर हो, ठीक है? ये हमने ऊपर दे दिया और थोड़ा सा इसका के पीसेस चले गए। साथ हमारे पास ऑरेंज कलर है जो कि हम एक तरफ ऐड करेंगे, ठीक है जी। थोड़ी सी ब्राउन प्याज ऑन टॉप, और इसके टॉप पे थोड़ा सा जहाँ कलर जाएगा वहीं पे थोड़ा सा दही आपने ऊपर डाल देना है, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। एंड दिस इज़ डन। मनीषा इधर कबर्ड में रखा हुआ कॉर्नर पे एसेंस, इसका हम लिड लगा देंगे ताकि ये दम पे आ जाए। सो दिस इज़ डन। अच्छा जी अब आ जाते हैं हम अपने ट्राइफल की तरफ। यहाँ पे हमने बेस में केक लगाया, केक लगाने के बाद क्या किया मनीषा, इस पे हल्का हल्का सा मिल्क स्प्रिंकल कर रही थी, यानी कि इसको देखें नॉर्मली घरों में क्या कंप्लेन होती है कि जो कस्टर्ड बनाया है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस केक आता है, केक बहुत ड्राई हो जाता है और वो गले में लगता है। सो देर इज़ नीड कि उसके ऊपर हल्का सा दूध स्प्रिंकल कर दिया जाए, थोड़ा सा दूध स्प्रिंकल कर दिया, और फिर साथ में हमने इसमें इसके टॉप पे एसेंस है ये, ठीक है मनीषा इसके ऊपर कॉकटेल लगाएं थोड़ा थोड़ा सा, ये लीजिए ये हमारे पास बिरयानी एसेंस है, आप ज़ाफ़रानी के अवड़ा भी डाल सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और दिस इज डन। ठीक है जी ये कटिंग कर दें जेली, ठीक है जनाब इसको मैं यहाँ ले आऊँ। ओके देखिए जी हमने फटाफट इस पर कॉकटेल का एक स्पून लगाया इस तरह से, ये शॉर्ट ग्लास, दिस इज़ गुड फॉर किड्स, बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, आप इसको इजी टू सर्व होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं। और आप ये देखें बड़ा अच्छा सा क्रीमी कस्टर्ड मौजूद है जो उसके ऊपर हम पोर करेंगे। अच्छा साथ साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आपने दम लगाना है साथ में कोल्ड रखना है, कोल्ड रख के आपने जनाब कहाँ गया तेल, एक चम्मच इसके ऊपर
स्मोक आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, अब आपने इसके ऊपर लगाना है कस्टर्ड। ये देखिए इस तरह इसमें कस्टर्ड आ गया। आप इसका कस्टर्ड का अगर आप टेक्सचर चेक करें तो देखें कितना क्रीमी टेक्सचर है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको कवर कर रहा है। मैंने जैसे इसमें केक की एक लेयर और लगा दें। अच्छा मुझे क्रीम भी दे दें जल्दी से ना, वो लगा के मुझे दे दीजिए। अच्छा सीजर थी यहाँ पे, मैंने क्या सीजर भी थी ना डार्लिंग, वो दे दी। अच्छा देखिए ये मैंने इसको पाइपिंग बैग में रखा लगाया है क्रीम को, और टिश्यू दोगे मनीषा? इसको मैंने पाइपिंग बैग में लगाया है ताकि इसको शॉर्ट ग्लास में हम इजीली हैंडल कर सकें। मनीषा मुझे टिश्यू पेपर चाहिए। सो ये देखें ये सर, आपने इसके ऊपर क्रीम को ड्रिजल करते जाना है। ये देखें इसमें भी इस तरह क्रीम टॉप पे आ जाएगी, वो दे दीजिएगा मनीषा मुझे। इस पर कॉकटेल डाल दें, कॉकटेल डाल दें जल्दी से। इसके ऊपर क्रीम डाल दी। अच्छा अब इसके ऊपर आप जेली ऐड कर दें। रेड एंड ग्रीन जेली दोनों पे टॉप पे आ जाएगी। सो बहुत ज़्यादा लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सिंगल सिंगल लेयरिंग में भी बड़ा अच्छा काम हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है शेफ, बहुत अच्छा मज़े का। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? मैं कराची से अलिश्पा बात कर रही हूँ। कराची से कौन बात कर रही हूँ? अलिश्पा जी। अलिश्पा क्या कहना चाहेंगी? क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया अलिश्पा। कोई फरमाइश करेंगी? बैठे लीजिए। मुझे फरमाइश करनी, वाइट पुलाव बनाना सिखा दें। अच्छा वाइट पुलाव या वाइट बिरयानी? वाइट पुलाव। ठीक है, वाइट पुलाव बनाना आपको ज़रूर सिखा देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। क्या होता है? बिल्कुल वही बनाना सिखाएंगे आपको। मुझे ट्रे दे दें। बिल्कुल वही बनाना सिखाएंगे। और यहाँ पे कोई अरोमा आ रहा है ज़बरदस्त सा। ज़बरदस्त शेफ, बहुत मज़े का अरोमा आ रहा है टिक्का बिरयानी का। इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखें जनाब कलर आप देख सकते हैं, टेक्सचर आप देख सकते हैं, और ये और कितनी इंस्टेंट डन भी हो गई हमारी बिरयानी। जबरदस्ती बिरयानी, वाह। ये देखें जनाब, बेटा पतीली पकड़ो जरा। बहुत मज़े की बिरयानी लग रही है शेफ़िया। ये बहुत मज़े की बनती है और बड़ी इंस्टेंट है। सबसे अच्छी बात इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत इंस्टेंट बनती है। ज़बरदस्त। और यहाँ से आपने इसको, वाह कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं राइस का, बेहतरीन सा अरोमा, कलर, टेक्सचर, सब चीज़ें हैं। और मेहरान का चावल कितना ज़बरदस्त इसको टेक्सचर। और देखिए बासमती राइस है, ये सेला नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा बासमती हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे बहुत से लोगों, लेकिन ये बड़ा अच्छा चावल है जिसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज डन, बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी। वाओ वाओ, इट्स अरोमा, इट्स अमेजिंग। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। सो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। मैं टिक्का बिरयानी भी बन चुकी है, सैलड रायता भी मौजूद है, और आपने ये रेसिपी भी ट्राई करनी है और हमें इसका फीडबैक भी देना है और बताना है कि जनाब ये रेसिपी कैसी बनी आपकी। और अगर कोई बात नहीं समझ आई है, कुछ स्टेप रह गया है, तो आप इसको दोपहर 1 से 2 रिपीट में देख सकते हैं।
इसके अलावा ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मेरी वॉल पे से भी देख सकते हैं, मैं शेफ फरा के पेज पे भी इसको अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए इनकन्वीनियंस ही ना हो, आराम से आप रेसिपी को अटैम्प्ट कर सकें। सो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कुछ नई रेसिपीज़ लेके आएंगे, जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।